भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में केंद्रीय बजट की घोषणा की। अब मैं आपको इसके बारे में थोड़ा और बताने जा रहा हूँ। ISH न्यूज़ ने बजट पर कई वीडियो जारी किए हैं। यदि आप इन्हें नहीं देख पाए तो आप उन्हें नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके यहाँ देख सकते हैं। अब मैं इसमें कुछ और जोड़ना चाहता हूँ। केंद्र सरकार ने 14 भारतीय शहरों के लिए योजनाओं की घोषणा की है। ये शहर छोटे हैं और इनकी आबादी 30 लाख से अधिक है। हालांकि इन शहरों के नामों की घोषणा नहीं की गई है। सरकार ने इन शहरों में बुनियादी ढांचे, अर्थव्यवस्था, विश्व स्तरीय सड़कें, पुल आदि को विकसित करने के लिए बजट आवंटित करने का निर्णय लिया है। इन 14 छोटे शहरों को ग्रोथ हब बनाने पर पूरा फोकस रहेगा। आवंटित बजट का विवरण इस प्रकार है। इन 14 शहरों में शहरी आवास विकास के लिए सरकार ने 2.2 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। लोग ऐसे घर खरीदने के लिए आवास ऋण लेते हैं जिनकी ब्याज दरें अधिक होती है। सरकार ने इन होम लोन योजनाओं पर ब्याज सब्सिडी देने का भी प्रस्ताव रखा है। इसने इन शहरों में 100 हाट, ग्रामीण बाजार, सड़क की दुकानें और खाद्य केंद्र विकसित करने का प्रस्ताव दिया है। सरकार ने विकास के लिए एक हिस्से के रूप में मौजूदा जल आपूर्ति प्रणालियों को बढ़ाने और नई जल आपूर्ति प्रणालियों का निर्माण करने का निर्णय लिया है। बहुत खूब। इसने उचित अपशिष्ट निपटने प्रणाली के साथ सुवेज उपचार को बढ़ाने का भी प्रस्ताव दिया है। सरकार ने इन शहरों में गंदगी फैलाने से रोकने के लिए उचित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनाओं का भी प्रस्ताव रखा है। ये बात लाभकारी है। पूरे देश में जब कोई संपत्ति खरीदता है तो उसे कर और स्टैम्प ड्यूटी का भुगतान करना पड़ता है, जो काफ़ी अधिक होती है। सरकार की योजना राज्यों को स्टैम्प ड्यूटी कम करने में मदद करने की है। बढ़िया समाचार है ना। महिलाओं के लिए भी फायदे हैं। अगर संपत्ति महिला के नाम पर खरीदी जाती है तो टैक्स में छूट मिलेगी और यहाँ तक कि महिला खरीदारों के लिए स्टैम्प ड्यूटी भी कम की जाएगी। वाह, अद्भुत लाभ है। संपत्ति खरीदते समय स्टैम्प पेपर आदि जैसे कई दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। अब इन्हें डिजिटल किया जाएगा। शानदार। जमीन और अन्य संपत्ति खरीदने पर भू आधार नामक एक आईडी आवंटित की जाएगी।